हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैमसंग कंपनी के नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन को लेकर बहुत दिनों से लीक्स डिटेल सामने आ रही थी और दोस्तों इस स्मार्टफोन की कुछ पिक्चर्स भी पहले सामने आई थी। लेकिन दोस्तों आखिरकार सैमसंग कंपनी ने अपने इस नए स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों ये सैमसंग कंपनी का एक बढ़िया और अच्छा मिड रेंज 5G स्मार्टफोन है, जिसकी दोस्तों मार्केट में सीधी टक्कर MI 10i स्मार्टफोन से होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन का प्राइस भी उसी स्मार्टफोन के आसपास रखा गया और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कुछ फीचर्स MI 10i स्मार्टफोन के जैसे ही देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, किस स्मार्टफोन के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलेंगे और आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप भी एक बढ़िया और अच्छे मिड रेंज स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन के साथ। दोस्तों अगर बात की जाए MI 10i स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने क्वेड रियर कैमरा सेटअप दिया है और इसके अंदर आपको 5.16 इंच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यू शेप की नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसके अंदर भी आपको स्क्वायर टाइप का क्वेड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर इनके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों MI 10i स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.67 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और इसकी कॉर्निंग के पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने 6.6 इंच की HD AMOLED डिस्प्ले दी है, जो की 1600x720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले की डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में MI 10i स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसके अंदर आपको दोस्तों फुल HD पैनल देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन में भी आपको कंपनी ने AMOLED पैनल दिया है। और दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में तो दोस्तों MI 10i 5G स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने इसके बैक प्लेन पर आपको 108 MP, 8 MP, 2 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। वहीं अगर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M42 स्मार्टफोन की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने 48 MP, 8 MP, 5 MP और 5 MP का रियर कैमरा और 20 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। तो दोस्तों अगर इन दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा के डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों रियर कैमरा के मामले में तो MI 10i 5G स्मार्टफोन आगे है। इसके अंदर आपको दोस्तों 108 MP का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको कई बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन आगे है। इसके अंदर आपको दोस्तों 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के वेरियंट के बारे में तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन आपको मार्केट में 6 GB और 8 GB रैम के साथ देखने को मिल जाते हैं, जिनके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मार्केट में इन दोनों स्मार्टफोन को कंपनी ने दो दो वेरिएंट में उतारा है। और दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के सबसे खास फीचर्स इनके प्रोसेसर के बारे में तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के अंदर आपको बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट दिया है और ये दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। और ग्राफिक के लिए इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको एडीनो 619 का GPU देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के अंदर आपको बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का बढ़िया और अच्छा चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। और दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में तो दोस्तों MI 10i स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4820mAh की बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। वहीं अगर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन की बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 15 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको बैटरी तो लगभग एक जैसी ही देखने को मिलती है। इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के अंदर आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन के फास्ट चार्जर के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों MI 10i स्मार्टफोन के अंदर आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों फीचर्स के मामले में वैसे तो MI 10i स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन दोस्तों यदि आप सैमसंग कंपनी के फैन है तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन भी आपके लिए एक बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।